Good morning, students. How are you all? Yeah, I hope all are good. In last class, we discussed about second lesson, story, Ranne Wali Chidiya. Okay, that is completed. Now, we will move on. Next lesson. Before that, I will ask some questions. One question. How to protect our environment? You know that? Okay. Better we will discuss. First, in your textbook, one picture here. See that picture. Page number 11. A picture here. यहाँ पे एक लड़की है. तो हमें चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? लड़की, पेड़. क्या क्या दिखाई दे रहा है? लड़की,
देखा तो उसको उठा लिया उसने। अब क्या सोचा उसने, उस कुत्ते को कहाँ छोड़े, उसकी रक्षा कैसे करे, इसके बारे में कुछ सोचा हो। ओके, ये था इस चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, पहले इस वीडियो के बारे में वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए। A representative of the future generation, Miss Yugratna Srivathava, age 13, from India. Respected UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon, honorable dignitaries in August Assembly, I'm 13 years young Yugratna from organization Tarumitra, meaning Friends of Trees, an NGO with 1600 high schools involved in promoting environmental awareness. I feel privileged to represent children and youth, the 3 billion of the world population, in this summit. I'm so much concerned about climate change because I don't want our future generations to question us, just as I'm questioning the need for more concrete action on climate change today. We received a clean and a healthy planet from our ancestors, and we are gifting a damaged one to our successors. What sort of justice is this? Honorable Excellencies, we need to call for an action now. We have to protect the Earth, not just for us, but for our future generations. If not here, then where? If not now, then when? If not us, then who? Okay, अब हमने वीडियो देखा ना, उसमें उस वीडियो में बच्ची एक लड़की जो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, कुछ बता रही है हमें कि वक्त क्या है, वह लड़की कौन है। उस लड़की का वीडियो ही हमने क्यों देखा, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो वह तो बहुत फेमस ही है यहाँ पर मीन्स इंडिया में, कि इसलिए इसके बारे में हम अब जानेंगे। ओके, उससे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य, तो पाठ का क्या नाम है, बदले अपनी सोच। बदलना है। अब हम कहते हैं कि तुम्हारी सोच बदलो, कब कहते हैं हम ये सभी, किस समय कहते हैं, छह दिवस थिंकिंग किस समय। अगर कोई तुम गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हो, तो तब कहते हैं कि छह दिवस माइंडसेट। ओके, इसी लेसन से आधार, इसी सोच के आधार पर हमें कुछ अवेयरनेस पैदा होती है यहाँ पर इस लेसन के द्वारा, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है हमें। और क्यों क्यों बदलनी है, वही हाउ टू चेंज अवर माइंडसेट, किसलिए बदलना है, हमें किस तरह सोचना है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। के अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले इसमें उद्देश्य है, एक उद्देश्य, यह उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, पर्यावरण और भूमि संरक्षण, पर्यावरण और भूमि संरक्षण। इस पाठ का उद्देश्य है पर्यावरण एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करनी है, एर्थ को कैसे सेव करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड अर्थ।
That is the aim of this lesson. But let me search. Okay, next. Move on. Lesson page number 12. संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ. संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, पता है ये क्या है? किसी को पता है? तो हाँ, अंग्रेजी में UNO. Which answer?
answer. How to give that answer? This is the question. Which type of answer you have to give? ऐसे वहाँ सखी वहाँ पर जो बड़े-बड़े लोग थे, वहाँ सखी सोचने में मजबूर व्यस्त हो गए. उस लड़की का नाम था युगरत्ना श्रीवास्तव. तो उस लड़की का नाम क्या नाम था? युगरत्ना श्रीवास्तव. Melt. So,
that मतलब ये है हर पांच में से दो व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है. Now it is very problem. पांच लोगों में से दो लोगों को एग्जिम टू मेंबर्स आर नॉट गेटिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर के पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है उन लोगों को. आज हम उन पेड़ पौधों को खोने का कगार पर हैं, खोने के कगार पर हैं. मुझसे यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ना जो हिमालय की भी करता जा रहा है वह जो आप वाटर प्रॉब्लम जो है पीने के लिए पानी नहीं है इसके साथ साथ हम जो पेड़ पौधे ट्रीज फॉरेस्ट जैसे भी है ना वह ना क्या हो जाता है ट्रीज एजेस उन लोगों ने तो हमें अच्छा वातावरण
पॉल्यूट हुआ हुआ जो एनवायरमेंट हम बच्चों को दे रहे हैं, धरती देने जा रहे हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? इज दिस करेक्ट? हम जो पॉल्यूटेड एनवायरमेंट को अवर अर्थ को दे रहे हैं, दिस इज करेक्ट? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, थिंक अबाउट दिस डीपली, ध्यान से सोचो, मीन्स थिंक डीपली, थिंक अबाउट दैट विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट वी आर गिविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह उस लड़की ने, इस लड़की ने युगरत्न श्रीवास्तव में, और श्रीवास्तव ने कहां पर ऐसे सवाल करना की है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ रही है कि तो इसके बारे में कहा, हम आपको पता चला है कि हम वह लड़की जिसके बारे में हमको सोचने के लिए कह रही है, एनवायरमेंट के बारे में सोचने का यहाँ पर हमें मजबूर कर रही है। के? तो इस तरह उस लड़की ने भाषण दिया, और इसके और भी कुछ भाषण से यहाँ पर किस तरह सोचना है, कैसे करनी है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ये सभी इसने अपने टेक्स्टबुक में जो लेसन है उसमें बताया है, और नेक्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे।